आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास के सिविक्स, और सिविक्स का जो चैप्टर चैप्टर का नाम है थर्ड चैप्टर, और इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स। और इसमें आज हमें पढ़ना है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या होता है? पहले ये है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशनर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कमिश्नर और उनको मेंबर्स भी होते हैं, एंड मेंबर्स मेंबर्स होते हैं, और उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। और आर्टिकल 324 में, अंडर आर्टिकल 324 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसके मेंबर्स को। और ये भी है इसमें, मिसाल के तो एक तो, और वो रिमूव भी कर सकता है उनको, मगर वो सेक्शन टू में आते हैं, सेक्शन टू। अब ये है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है इसका, ये ही शेल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर्स, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर शेल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर्स। और इसका यानी कि एज क्या होता है, एक्सपायरी एज क्या होता है, मिसाल वो कितने सालों तक यानी कि काम कर सकता है? ओनली अप टू 65 ईयर्स, और आफ्टर दैट उनका जो पोस्ट होता है वो वैकेंट होता है और वो रिटायर होते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, जो इलेक्शन कमीशन होता है, इट्स एक्चुअली इंडिपेंडेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी, ये ऑटोनॉमस होता है, या इसको हम ऑटोनॉमस कह सकते हैं। अब यह है कि इसमें हमने क्या सीखा, जो इलेक्शन कमीशन क्या होता है। इलेक्शन कमीशन एक यानी कि एक बॉडी होती है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और इसके मेंबर्स होते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करते हैं टाइम टू टाइम। और आर्टिकल 324 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करते हैं, और इसमें इसी आर्टिकल के अंदर ये यानी कि एक चेयरमैन उनमें से किसी को बनाते हैं और अपॉइंट करते हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है ये होल्ड ऑफिस रखता है फॉर 6 ईयर्स, और जो इसके मेंबर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसकी रिटायरमेंट एज 65 होती है, और ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। चलो आज इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।